गुड मॉर्निंग गर्ल्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 13, डायरेक्शंस। आज हम अपना न्यू लेसन, लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्शंस। हेल्प सिमी गेट होम फ्रॉम स्कूल। सिमी मुझे अपने स्कूल से घर जाने में, अपने घर से स्कूल जाने में मेरी मदद करो। नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन टू द क्लास। और फिर मुझे वहाँ जो क्लास है उसको भी एक्सप्लेन करो। द रूट शी टुक, वहाँ पे जो रास्ता दिया गया है उसमें मेरी मदद करो। यूज़ वर्ड्स लाइक टर्न लेफ्ट, इसमें कौन कौन से वर्ड आपको यूज़ करना है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, वॉक्ड स्ट्रेट, इन फ्रंट ऑफ, सामने चलो, बिहाइंड एंड नेक्स्ट टू, किसी चीज़ के पीछे से चलना है या फिर इसके आगे लेना है। तो नीचे आपको पूरा एक पिक्चर नज़र आ रहा है जो कि एक मैप दे रखा है और इसकी मदद से हमें कहीं जाना है। गिविंग डायरेक्शंस, वी यूज़ वर्ड्स लाइक राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट। जब भी हमें कहीं जाना होता है, हम यदि ऑटो से जा रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स को हमेशा यूज़ करते हैं। अब राइट ले लो, अब लेफ्ट लेना है, अब क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। वेन वी वॉन्ट टू गाइड समवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जब हम किसी को गाइड करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने में, दिस वर्ड्स राइट लेफ्ट एंड स्ट्रेट आर डायरेक्शन वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं राइट लेफ्ट और स्ट्रेट, ये क्या है, हमारे डायरेक्शन वर्ड्स हैं। टू बी एबल टू गिव क्लियर डायरेक्शंस, वी नीड टू नो द लोकेशन। यदि हम किसी भी सही सही डायरेक्शन में हम तभी जा सकते हैं जबकि हमको वहाँ की जो लोकेशन हो उसकी पूरी जानकारी हो, हम उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में जानते हो। आप इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द एरिया, हम उस एरिया के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उसके बारे में जानते हो, लाइक स्कूल, वहाँ का कोई स्कूल है, या फिर हॉस्पिटल या पार्क जो कि हमारे आसपास में रहते हैं। जैसे आपको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है या अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो आप उसके घर को कैसे याद रखते हो, आप बताते हो कि मेरे रिलेटिव का घर शिव मंदिर के पास में है, मेरे जो फ्रेंड है उसके घर के पास में एक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो ये जो प्लेसेस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, दिस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर कॉल्ड लैंडमार्क्स। इनको हम क्या कहते हैं, लैंडमार्क्स, जिसकी मदद से हम उस घर को, घर की जो लोकेशन है उसको याद रख पाते हैं। लैंडमार्क्स हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस वी आर सर्चिंग फॉर। जो लैंडमार्क्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं किसी भी सही जगह को ढूंढने में, हमारी हमेशा मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैप्स एंड सिंबल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो मैप्स दे रखे हैं और अलग अलग सिंबल्स हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हैव यू सीन अ मैप, क्या आपने कभी कोई मैप देखा है। आस्क योर टीचर आर योर पेरेंट्स टू शो, आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से उसको दिखाने के लिए कहें। टू शो यू वन, वॉट डज इट शो यू, उन्होंने आपको क्या दिखाया। इट शोज यू वेयर अ प्लेस इज लोकेटेड, यह आपको दिखाता है कि कोई जगह कहाँ पे है। इट ऑल्सो शोज यू द डिफरेंट लैंडमार्क्स इन दैट प्लेस, और इसके साथ में ये आपको क्या दिखाते हैं, अलग अलग लैंडमार्क्स जो हैं उस प्लेस के वो भी आपको दिखाते हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेबरहुड सिटी आर कंट्री। मैप क्या होता है, मैप एक ड्राइंग है जिसके मदद से हम अपने नेबरहुड, सिटी या कंट्री को देख पाते हैं। अ मैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड हैज़ मेनी यूजेस, जो मैप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके कई यूजेस हैं। पीपल यूजेस अ मैप टू गेट टू प्लेसेस, जो लोग होते हैं वो मैप की मदद से सही जगह पे पहुंच पाते हैं। टू प्लान अ वेकेशन, वो अपनी छुट्टियों का प्लानिंग करते हैं उसके थ्रू। एंड टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस, और दो अलग अलग जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, ये भी किससे पता चलती है हमको, मैप की हेल्प से। टू नेम जस्ट अ फ्यू यूजेस, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ कुछ ही यूजेस है जिनके बारे में हमने पढ़ा है। वी यूज सिम्बॉल्स टू शो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन अ मैप, हम अलग अलग सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं किसी भी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स के लिए। जो हमारा मैप होता है उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनी होती है,
जो बड़ी कोई भी प्लेस होगा वो तो बहुत बड़ा होगा, और उसको हमको मैप में बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम मैप में किसका यूज़ करते हैं? उस प्लेस के सिंबल का, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है अपने पिक्चर में। सिंबल्स आर यूज्ड इन अ मैप टू सेव स्पेस एंड बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो सिंबल्स हैं इसकी मदद से एक तो क्या होता है, वो जो आपका मैप है उसमें जगह बच जाती है, और दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर आपका जो हॉस्पिटल है उसके लिए सिर्फ एक प्लस का साइन बना हुआ है, जिसकी मदद से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक हॉस्पिटल है। तो जहाँ पे लाइट बतानी है हाउस की, तो वहाँ पे एक भी एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। होटल बताने के लिए सिर्फ एज बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्लेस पे आपको आसपास में कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन द मैप बिलो वी हैव यूज्ड सिंबल्स इन प्लेसेस ऑफ एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ द लैंडमार्क्स। इस तरीके से हमको यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। A list of all the symbols used is given on the left side of the map along with what they stand for. Such a list is called a key. और जो बहुत सारे symbols साइड में बने हुए होते हैं मैप के साथ में, उनको क्या कहा जाता है, उस लिस्ट को की कहा जाता है, जिसकी मदद से हम अपने काम को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं और बड़ी आसानी से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अ की हेल्प्स अ पर्सन टू रीड अ मैप करेक्टली। जो ये कीज होती हैं ये आपकी मदद करती है, जिसकी मदद से आप इस मैप को बड़ी आसानी से पढ़ पाते हैं। अब है डिफरेंट व्यूज। प्लेस योर स्कूल बैग ऑन अ टेबल। आपका जो स्कूल बैग है उसको एक टेबल पे रखिए। लुक एट इट फ्रॉम एनी वन साइड। अब इसको सिर्फ किसी एक कोर से देखिए। लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड। अब इसको दूसरी तरफ से देखो। Now look at it from the top by standing on a stool. अब उसको एक स्टूल पे रखने के बाद फिर देखो। Does the bag look different from different sides? क्या आपका बैग अलग अलग तरफ से अलग अलग नज़र आता है? Look at the side and top view of some things. कुछ चीज़ें हैं जिनकी टॉप व्यूज को देखो और फिर उनकी साइड व्यूज को देखो। साइड व्यू ऑफ अ प्लेट। जब हम किसी प्लेट के साइड व्यू को देखते हैं तो हमको वो अलग नज़र आती है, और टॉप व्यू जो होता है उसको उसमें हम उसको बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। साइड व्यू ऑफ अ टेबल, जो टेबल होता है उसका भी साइड व्यू आपको अलग से नज़र आता है, और जो उसका टॉप व्यू होता है उसके अंदर आपको केवल उसका जो सामने वाला पोर्शन है वो ही नज़र आता है। साइड व्यू ऑफ अ जग, जग का जो साइड व्यू होता है वो अलग से दिखता है, और जो टॉप व्यू होता है वो अलग से दिखता है। टू ड्रा मैप ऑन ऑफ अ रूम यू हैव टू लुक एट इट्स फ्रॉम अबोव। जब आपको कोई भी रूम का मैप बनाना होता है, ड्रा करना होता है, तो वो भी आपको अलग अलग नज़र आता है। यू हैव टू थिंक दैट द रूम हैज़ नो सीलिंग। आप सोच सकते हैं कोई ऐसा रूम हो जिसमें सीलिंग नहीं हो, छत नहीं हो। यू हैव टू लुक डाउन इन टू हर रूम एंड ड्रा ओनली द टॉप ऑफ थिंग्स यू सी आर रिप्रेजेंट देम विथ सिम्बॉल्स। तब हम इन सारी चीज़ों को सिम्बॉल्स की हेल्प से बताते हैं। अहमद्स टीचर आस्क्ड हिम टू ड्रा सिंपल मैप ऑफ द क्लास रूम। लुक एट द पिक्चर बिलो। अब आप उसका नीचे पिक्चर देखिए। वन इज़ द पिक्चर ऑफ अहमद्स क्लास रूम, द अदर इज़ द मैप अहमद ड्रू। ही यूज अ सिम्बॉल फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास रूम। जब भी हमको कोई मैप बनाना होता है तो हम उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। सो गर्ल्स, आवर लेसन इज़ कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।